सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है यार आप लोगों का। स्वागत है एक और Q&A गेम प्ले वीडियो में। इस गेम प्ले वीडियो में हम लैंड कर रहे थे थर्ड हिल में। थर्ड हिल में भाई साहब एक परिंदा भी नहीं आता, और यहाँ से सब कुछ लूट लाट करने के बाद में हम जैसे ही निकल रहे थे, देख रहे हैं एक भैया नदी क्रॉस करके थर्ड हिल में आ रहे थे किसी काम से। हम इनको लोगी भेज देते हैं। अब तक फिर इन भैया की पेटी पार्टी लूट के हम नदी क्रॉस करके जा रहे थे, तभी हमें कुछ गन साउंड्स का साउंड आता है। अभी उसे मैं ट्रैक करके जा रहा था और देखते हैं कि ऐसे ही गाड़ी लेने जा रहा था। एक बोर्ड भैया TPP ले रहे थे। उन बोर्ड भैया को फिनिश करने के बाद में दोस्तों देखो ये कैसे TPP ले रहे हैं, मतलब कोई ख्याल ही नहीं है अभी पीछे कोई है हमारे। अब इनको फिनिश करने के बाद में दोस्तों जैसे हम गाड़ी लेके जा रहे थे, एक बंदा देखो स्ट्रॉल के पीछे बैठा हुआ है। इनके हम घुसेड़ देते हैं भाई, इनके पिछवाड़े में पूरा घुसेड़ देते हैं गाड़ी। इनको इनके पिछवाड़े में गाड़ी घुसेड़ने के बाद में इनकी पेटी पार्टी लूटते हैं। तभी देखते हैं ये भैया TPP क्यों ले रहे थे। तो देखते हैं एक ब्लू वाले घर में एक बंदा घुसेड़ रहा है, जो भाई साहब मुझे भी मारने का ट्राई करता है। मैं क्या ही बताऊँ भाई साहब, किस पैसे भी करके मैंने इसे मार दिया। देखो भाई साहब उत्ते उत्ते पतले से छेद में से इस बंदे को फिनिश कर दिया। अगर आप लोगों ने भी कभी किया है तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा दोस्तों। इस बंदे को मारने के बाद में हम गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं फिर यहाँ से। जैसे हम जा रहे थे थोड़े सा आगे के भाई साहब देखते हैं, देख रहा हूँ मैं तीनों तरफ से चारों तरफ से गोलियाँ ही गोलियाँ पड़ती हैं। फिर ऐसे ही हम थोड़ा सा कवर में आते हैं, एक भैया सल्लू भाई का एंट्री मारते हैं भाई साहब। देखो ये सल्लू भाई का एंट्री, इन भैया को हम ऐसा मारते हैं कि ये भी क्या ही बताऊँ, ऐसा सोच रहे होंगे किस बंदे के पाले पड़ गया था मैं। अब इनको मारने के बाद में इन्हें थोड़ा सा चिढ़ाते उड़ाते हैं, डांस वेंस करते हैं थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद में इनकी यहाँ पे स्मोक उस्मोक करके इनकी पेटी पार्टी लूटते हैं भाई साहब। पेटी पार्टी लूटने के बाद में देखो फिर आगे क्या होता है। एक बंदा भाई साहब ना ही खुद जोन में जाता है और ना ही मुझे जल्दी जाने देता है। फिर लगभग आधा मुश्किल से मान के चलो भाई साहब मेरा आधे से ज़्यादा टाइम तो यहीं पे ख़राब हो गया था। ना ही खुद जा रहा था जोन में, ना ही जाने दे रहा था। और भाई साहब जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्लैंक मारता हूँ और गाड़ी ले कर ऐसे ही जोन में निकलता हूँ, भाई साहब वो तो तीन पहिए वाली गाड़ी लेके ऐसा निकलता है भाई साहब, क्या ही बताऊँ यार। सल्लू भाई के स्टाइल में निकलता है, वो पूरा बाहर ही निकल जाता है। फिर देखो मैं थोड़ी बहुत गोलियाँ मारता हूँ उसे और उसे थोड़ा भी असर नहीं देता। देखो यही है वो बंदा भाई साहब, ना ही खुद जा रहा था ना ही जाने दे रहा था। अब जैसे मैं फ्लैंक मार के उस साइड निकलता हूँ, भाई साहब सल्लू भाई का स्टाइल में निकलता है भाई, मैं क्या ही बोलूँ इसके इस बंदे के लिए। तो अभी आपको चल के आगे दिखा रहा हूँ कैसे सल्लू भाई के स्टाइल में निकलता है गाड़ी लेके। देखो ब्रो ये देखो भाई साहब, क्या ही बोला जाए इस बंदे को, क्या ही निकला भाई साहब। यहाँ से थोड़ा बहुत ग्राफिक आपको चेंज मिलेगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा फिल्टर डाल दिया है। आप यहाँ पे गाड़ी देख के मुझे तो लगा भाई साहब इस घर में बंदा है, लेकिन यहाँ पे यार कोई परिंदा भी नहीं मिलता, इसलिए हम गाड़ी उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही हमें थर्ड हिल से थोड़ा बहुत गन साउंड्स आता है, यहाँ पे हम रुकने के बाद में देखो दोस्तों नेड करते हैं ब्रो, थोड़ा बहुत डैमेज आता है बंदे को। और इसी के चक्कर में मैं रस भी मार देता हूँ भाई साहब, मुझे लगा थोड़ा बहुत डैमेज हो गया बंदा इसलिए रस भी मार देता हूँ। थोड़ा बहुत हल्का बहुत डैमेज गया है भाई साहब, फिर मैं तुरंत ही रस मार देता हूँ उस बंदे पे। और इस बंदे को फिनिश करने के बाद मैं पेटी पार्टी लूटते हैं इसकी भाई साहब। लास्ट में देखना आपको RPG और S12K की साउंड आएगी शायद, यहाँ पे भाई साहब S12K की साउंड आएगी। और मुझे तो लगा भाई साहब उस बंदे के पास RPG और लास्ट वाले एनिमी के पास भाई साहब RPG होता है, यही है वो बंदा। क्योंकि इसके पास है भाई साहब RPG या S12K हो सकती है, क्योंकि दोनों में से एक तो होगी भाई के पास, क्योंकि इसके पास तो एक स्कारल था और एक था S12K। अच्छा हुआ भाई साहब इसके क्लोज में नहीं गया मैं, नहीं तो ये तो मुझे भी लोबी भेज देता और अच्छी खासी गेम प्ले वीडियो बेकार हो जाती। नेड कर रहा था भाई साहब, वहाँ तक गया ही नहीं, आधे रास्ते में फट गया। उसके बाद में थोड़ी बहुत देखो भाई को मैं ऐसा डैमेज दिया, भाई ने भी बहुत सारा डैमेज दिया। यहाँ से मैं थोड़ी बहुत डैमेज देता हूँ इसे, इसी कॉन्फिडेंस में था कि शायद ये बंदा नूबड़ा होगा भाई साहब, लेकिन भाई साहब ये इतना प्रो था, इसको तो कुछ डैमेज ही नहीं जा रहा था। देखो मैं M249 की इसको कितनी सारी गोलियाँ मारता हूँ, इतनी सारी गोलियों में तो दोस्तों 3-4 बंदे लगभग मर ही जाएंगे यार। लेकिन ये देखो कितनी गोलियाँ खाने के बाद में मरता है बंदा, लेकिन प्रो मार के चिकन डिनर ले लेते हैं भाई साहब, क्या ही बोला जाए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना वीडियो पसंद आई हो तो। और फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप चाहो तो वहाँ पे भी